भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन घमासान जारी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिलहाल एक एक से बराबरी पर है और तीसरा और चौथा टेस्ट मैच अभी भी होना बाकी है। ऐसे में 26 दिसंबर से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को लेकर दोनों ही टीमें काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि मेलबोर्न में दोनों ही टीमों ने हाल ही में प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लिया। ऐसे में प्रैक्टिस सत्र में प्रैक्टिस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज एरन फिंच से जब उनकी चोट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंजरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं भारत के खिलाफ हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूं। एरन फिंच ने यह भी कहा कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपको इन सारी चीजों से जूझना पड़ता है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जमकर रन बनाऊंगा और इंजरी कोई मेजर फैक्टर नहीं होगी। यानी कि एरन फिंच ने साफ कर दिया है अपनी बातों बातों से कि वो टीम इंडिया को चैलेंज कर चुके हैं। अब टीम इंडिया उन्हें आउट कर पाती है या नहीं ये देखना होगा मेलबोर्न टेस्ट में। हालांकि मेलबोर्न टेस्ट को लेकर दोनों ही टीमें काफी ज्यादा एक्साइटेड है, सीरीज फिलहाल एक एक से बराबर है, तो मेलबोर्न टेस्ट जीतकर दूसरी टीम लीड लेना चाहेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।